Hi, hello everybody, कैसे हैं आप लोग? और you all are welcome again to our lovely channel Let's DIY with Ketaki. और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीकेंड मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, कुछ खास. ओके, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है बिकॉज मैं आई हूँ मेरे फ्रेंड के घर पे, माई बेस्टी, माई ब्यूटिफुल बेस्टी, माई स्ट्रॉन्ग बडी, जो मेरी एक इंस्पिरेशन भी है. तो मैं आई हूँ औरंगाबाद महाराष्ट्र में. ओकेजन ये था कि हम आए थे हमारे स्कूल रीयूनियन के लिए क्योंकि हमने ये काफ़ी दिनों से प्लान किया था. और हमारी जो फ्रेंड है रचना, जो कि यूके से आई है, तो उसके साथ हमने ये गेट टुगेदर प्लान किया था. तो वी ऑल स्कूल बडीज, वी वेयर देयर फ्रॉम क्लास ग्रेड 5, तो हम लोग साथ में थे एंड वी वेर ऑलमोस्ट मीटिंग ईच अदर, मैनी ऑफ अस, लाइक आफ्टर 21 ईयर्स. तो डोंट गेस माई एज, ओके? सो तो हम लोग मिले एंड उसके साथ में आई एम स्टेइंग हियर एट निम्मीज हाउस. एंड तो चलिए चलते हैं हम निम्मी के होम टूर पे. तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट टू माई बेस्टी निम्मी एंड शी इज कॉल्ड एज मिसेस निर्मला चौधरी. चलिए चलते. सो गाइज, दिस इज़ द नाइट व्यू. ये है निम्मी के घर का एंट्रेंस. तो यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये फूलों की बेल लगी है जो कि पूरा अपस्टेयर्स उनके टेरेस तक जाता है. लेट मी शो यू देयर गेट, द एंट्रेंस गेट. सो दिस इज चौधरीज. तो ये है चेतन चौधरी और निर्मला चौधरी और उनकी मम्मी जी, उनका ब्यूटिफुल सा बंगलो. सो लेट मी टेक यू ऑल इनसाइड. अ वेरी ग्रैंड एंट्रेंस यू कैन सी हियर. निम्मी मेरे लिए वेट कर रही है. हाय, वेलकम. हाय निम्मी. तो ये हम घर पे जो देखते थे ना टीवी सीरियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो इस घर की बहू जो है ये हमें बुला रही है. हाय निम्मी. हाय, आई जस्ट क्लोज द गेट. तो गाइज, अभी मैं हूँ निम्मी यानी कि निर्मला चौधरी, मेरी बेस्टी, उसके घर पे. तो मैं एंटर की हूँ और आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है एंट्रेंस पे भी इन्होंने काफी सुंदर डेकोरेट किया है. तो हम पूरे घर का टूर लेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ होम टूर कम व्लॉग. तो निम्मी आपको, सबको और मुझे लेके जाएगी उसके ब्यूटिफुल से होम टूर को. मुझे लगता है आपको ये बहुत पसंद आएगा एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी आइडियाज इनका जो घर है वो देख के. तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं निम्मी से. हाय केतकी, वेलकम टू माय हाउस. हाय निम्मी. एंड आई एम मोर प्लीज टू गिव यू अ होम टूर. इट्स नॉट अ होम टूर एज यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर आई रेनोवेटेड माय हाउस. सो आई जस्ट वांटेड यू टू हैव अ लुक दैट व्हाट वी हैव डन. इट्स अ वेरी स्वीट सिंपल रेनोवेशन व्हिच वी हैव डन. And but though we love our house, I have simply loved it, guys. मैं इसके घर पे आई थी शायद 5 साल पहले, मेरे कॉलेज का कुछ काम था और ये तब भी बहुत सुंदर घर था, वेरी होमली फीलिंग. तो गार्डन है, बहुत बड़ी बड़ी किचन है, सबके रूम्स है, बहुत ही सुंदर है. So I would like to add one thing, please. This is a load bearing house, okay, which was built almost 35-40 years ago by my father-in-law, and it was very basic thing जो सब घर के लिए चाहिए वैसा ही था. बट समवेयर वी नीडेड कि थोड़ा सा भी उसको एक टच दे दे. थैंक्स टू आर आर्किटेक्ट, माय हस्बैंड्स गुड फ्रेंड मिस्टर योगेंद्र बल्लाल, ही वाज काइंड इनफ टू अंडरस्टैंड आर नीड्स टू हेल्प अस कीप द हाउस एज इट इज विदाउट मच ऑफ द इंटीरियर्स. ओके, एंड मोर अ यूजर फ्रेंडली टू लिव हैप्पीली हियर. सो आई विल जस्ट शो यू अ स्वीट ग्लिम्स ऑफ हाउ वी डिड इट. एंड दिस इज रियली वॉट वी कॉल अ होम स्वीट होम. तो निम्मी, हम लोग तो आगे चलेंगे, तुम्हारा घर तुम दिखाओ. और जो भी औरंगाबाद के लोग हैं, जो भी महाराष्ट्र या ऑल ओवर इंडिया, तो इनके जो आर्किटेक्ट है उनका, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड वीडियो, नथिंग लाइक दैट, बट सीरियसली इनका मैं आपको कोना कोना दिखाऊंगी तो आप बोलोगे ये बहुत अच्छा है. तो यू कैन श्योरली टेक द नंबर. तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका नंबर दे दूंगी. इस जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आपको सब ये प्रोवाइड करूंगी. तो So we will start with our living room. Sure. Nimmi, तो अभी हम कहाँ पे है, please शुरू करो. So जैसे हर घर की शुरुआत होती है living room, जो घर का heart होता है, जहाँ सब लोग मिलते हैं, तो हम लोग वहीं से start करते हैं. So this is my living room. Okay. Wow. So थोड़ा सा बाहर का जो दरवाजे का decor था, we took it inside as well. Okay. And kept this place for small artifacts. Beautiful artifacts. I think this one is handmade.
Yes, this is a handmade pot which is my mother-in-law tenni kelela painting. Wow, kitne saal purana hai aur bahut acha painting kiya hai kaku ne. 30 years ago guys. मैं आपको काकू से भी मिलाती हूँ, आइन से भी मिलाती हूँ. एंड दिस वन आई थिंक ये मेरी डॉटर तृष्णा, शी लव्स डूइंग क्राफ्टिंग. ओके, सो शी डिड दिस आउट ऑफ स्मॉल थम्स अप बॉटल्स. वेरी नाइस, कैन वी हैव अ लुक? यस. वाओ, सी, एंड दीज आर ग्लास बॉटल पेंटिंग्स व्हिच शी डिड इन हर समर लीजर टाइम. वेरी नाइस, सो शी डिड इट वेरी डिसेंटली. Wow. So I love keeping this here so that people can come and see. Yeah, obviously we should showcase what our kids are doing, right? And they are doing a lovely job. And definitely with the COVID season, we have the sanitizer. Whoever comes inside first needs to be sanitized. For sure. That's it. This is our sofa. Jab baat aayi ki sofa kaise karna hai, so I was more keen on being colorful. Okay. Rather than being a typical grey white sofa, so हमने सोचा कि let's do a colorful theme. So we went for some geometrical designs, some floral pattern, and some plain soothing colors. Wow. And a wallpaper which goes around with that. Okay, so the backside on this wall is an entire wallpaper. Purely wallpaper. Wow. We thought of painting something, but then we thought let us keep it subtle with the wallpaper. It's making it look more huge. It's giving depth to my living room with that plain structure. Exactly. Curtains also go well with that. हमने कुछ बहुत level पे हम लोगों ने इसके साथ match किया है. So these are the window blinds. Easy to access. Exactly. And it gives a very good garden का view जो हमने बनाया है. आई ने बहुत अच्छे से garden maintain किया है. Okay, okay. And she loves it. Okay, तो मैं आपको आई से मिलाती हूँ. आई नमस्कार. नमस्ते. तो ये है आई, ये है चेतन, उनकी मम्मी जी और निम्मी की मराठी मध्ये ह्या सासूबाई आहेत, सासूमा. एंड शी इज मोर ऑफ अ मदरली फिगर टू निम्मी, टीचर, मेंटोर, एवरीथिंग, एवरीथिंग. निम्मी जो कि उसका पहला नाम है निर्मला शेखरन, एंड शी इज अ तमिलियन. और उनका शादी हुआ है चेतन चौधरी इनसे, और वो महाराष्ट्रन फैमिली में आई है. और उसके बाद निम्मी ने, मैं आपको बताती हूँ, जितना मराठी लोग मतलब आजकल की लड़कियां नहीं कर पाती है, वो निम्मी ने आई के हेल्प से उनके देख रेख में इतना कुछ सीख लिया है. बी एड महाराष्ट्रियन फूड, महाराष्ट्रियन कल्चर, फेस्टिवल्स है, सब कुछ. क्रेडिट गोज टू आई, जिन्होंने, शी टुक लॉट ऑफ पेन टू टीच मी, और मैंने भी उसका सार्थक किया. आई लर्न मेजर ऑफ द थिंग्स, बट अभी बहुत कुछ और सीखना बाकी है. तो ये क्या है, ये मुझे ऊपर जो दिख रहा है, तो एक बार प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताना, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस? कि वी पीपल, वी वांट एवरीथिंग टू बी एयरी. ओके, सो अगर इतने बड़े लिविंग रूम को हमको ठंडा करना है, बिकॉज औरंगाबाद इज अ हॉट प्लेस, समर में इट गोज अप टू 40, 41, 38, सो और हम लोग 80% टाइम लिविंग रूम में ही रहते हैं, तो वी थॉट लेट अस गो ऑन अ कूलर. ओके, कूलर बाहर लगाना एंड देन गेट इट इन साइड नहीं था, तो वी थॉट ऑफ अ प्लान एंड वी डिड अ एयर कूलिंग सिस्टम. Okay. So this is a centralized air cooling system. Okay. Jiska ducting is going around all our house, and believe me, this was the best idea which we thought, we implemented and it turned out very good. मतलब हमारे घर में जो भी समर्स में आता है ना, he feels so pleasant to sit here. Because बाहर से कम 5-6 डिग्री हम लोग लो ही रहते हैं. Okay, तो ये है चेतन भैया के पिताजी, निम्मी के ससुर जी. He is always with us. उनके ब्लेसिंग्स, हम आते ही हमको हर दिन, बाहर से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो हिज ब्लेसिंग्स इज ऑलवेज विद अस. वाओ, ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ स्मॉल सीटिंग पोर्शन हियर. आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट दिस. ये पुराने जमाने में जो हाथ से चक्की पीसते थे, ओके, मराठी में वी कॉल्ड इट जाता. हाँ हाँ, सो वी हैड दिस, ये आई का था, एंड हम लोगों ने सोचा इसको डिस्कार्ड करते हैं. But okay. I think credit goes to our architect Mr. Ballal. He said, "Nahi, let us use it as an antique piece." Okay. So, हम लोगों ने इसको refurbish किया. We painted it with the original wood. Wow. And then we used it as a decor piece in our house. A nice decor piece where we have very beautiful, amazing cars. ये निम्मी के बेटे विहान के हैं. And a small planter. And a small planter. Which gives you a fresh feeling.
And yes, of course. So this is very special. This is Ganpati ka murti. So when somebody enters my house, the first thing seen is Ganpati ka murti. Wow. And this also acts like a blinder. When I'm in the kitchen, I could see who's coming at my entrance, who's there. Exactly. So and when I switch off the lights, living me, and if there is only light in the kitchen, okay, I could see a replica falling image on the my floor. Floor, wow. Ganpati image on my floor. Wow. तो आपने देखा निम्मी का ब्यूटीफुल सा लिविंग रूम. तो चलिए चलते हैं उस जगह पे विच इज़ ऑब्वियसली द हार्ट ऑफ द हाउस और जहाँ पे सब मिलके बहुत अच्छे से पेट भर बहुत अच्छा पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना खाते हैं. दे हैव अ गाला टाइम देयर. तो चलिए चलते हैं निम्मी के किचन में. निम्मी हमें भूख लगी है, हमें किचन में जाना है. निम्मी लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटिफुल ह्यूज स्पेस. वेर आई थिंक जिनको खाना बनाना नहीं आता है वो भी बोलेंगे कि हमें यहाँ पे काम करना है. Yes, Nimmi. So, kitchen is the place where you need to be more spacious. At least every woman can relate to me. Exactly. किचन अगर स्पेशियस हो तो अपनी हालचाल भी होती है और अपना खाना भी अच्छे बनता है. बिकॉज हम लोग ट्राइंगली घूमते हैं टू द फ्रिज टू द ओटा बैक टू द कबर्ड बैक. तो आई वॉन्टेड किचन ऑलवेज टू बी स्पेशियस. ऐसा कभी टाइम आया तो वी वांट टू सिट एंड वी कैन हैव लंच नीचे. जी जी जी. सो आई मेड इट लैविश थिंग. सो सिंपल बेसिक जो चीजें लगती हैं फ्रिज माइक्रोवेव चिमनी दैट्स इट. एंड ज्यादा यूटिलाइजेशन वी मेड विद द कबर्ड्स एंड एवरीथिंग क्योंकि स्टोरेज काफी लगता है. ऑल इंडियन फैमिलीज को स्टोरेज बहुत लगता है किचन में क्योंकि हम लोग भी प्रेफर स्टोरिंग सेविंग. तो वो है. So I've kept it very simple and this gives me a lot of energy and positivity. Wow. So I wanted a planter right next to my kitchen. Okay. And this window is one which I love. Ye window mera east facing hai. Okay. So yahan se subah ki dhoop direct vitamin D drops into my cooking whatever I make for nashta. Oh, nice. So the sunlight here in the morning looks amazing. वाह. यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है नीचे फ्रिज के नीचे. एवरी स्पेस यूटिलाइजेशन जो बोलते हैं वो हम लोगों ने किया है. ओके. केप्ट द फ्रिज. फ्रिज के नीचे वी डिड द स्टोरेज फॉर कांदा बटाटा. सो आई विल गिव यू अ सिंपल ग्लिम्स ऑफ इट. सो दिस इज ऑल एयरी फ्रेश एंड यू कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इट एंड इजी एक्सेस. आई ने बोला कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो भी उन्हें दिखाइए. हम लोग यूजुअली सब चीज घर पे बनाते हैं तो जब कुछ हम लोग को ज्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है. ओके. एज आई कैन नॉट स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. राइट. मेरा बहुत लंबा लेंदी काम है जैसे दिवाली के जो अपने स्नैक्स होते हैं बहुत बनाने so, पड़ते हैं. व्हाट वी डिड इज वी यूटिलाइज्ड दिस प्लेस. ओके. फॉर अ मूविंग गैस स्टव. वाह. व्हाट इज इट. शो यू हाउ इट इज. अच्छा ये कुछ निकला है. ओके. सो दिस इज माय गैस स्टव. And you have to make lot of things for Diwali. So I just pull a chair here. I okay. Sit and I make very easy access. And when we just put it inside and hide it. Wow. निम्मी ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया है. तो गाइज जिसके पास भी बहुत स्पेस है यू हैव अ स्पेशियस किचन एंड आपको बहुत सारा किचन में काम भी होता है तो आप इस तरह से कुछ आइडिया ले सकते हो. वेरी नाइस निम्मी. और ये निम्मी के पीछे मुझे कुछ बहुत ही सुंदर क्रॉकरी यूनिट दिख रहा है और साथ ही में यहाँ पे भगवान जी भी है. हाँ बहुत सुंदर है निम्मी और बहुत अच्छे से रखा है. और मैंने शाम में देखा निम्मी के दोनों बच्चे तृष्णा और विहान ये शुभम करोती बोल रहे थे बहुत ही अच्छे से. राम रक्षा बोल रहे थे. तो ये है निम्मी का पूरा क्रॉकरी यूनिट जिसमें से बहुत सारी क्रॉकरी निम्मी के सासू माँ की है जो कि उन्होंने इतने सालों तक बहुत ही अच्छे से रखी है. तो यू कैन सी हियर और आपको बैकग्राउंड में शायद कुछ आवाज आ रही होगी. तो हमारे बच्चे मृदुला कृष्णा विहान काफी जोरदार एंजॉय कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स मैं हम अभी निम्मी के किचन में हैं
और क्या है, आज मैं जब आई हूँ तब सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है औरंगाबाद में, तो मुझे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं बाहर जाके उनके गार्डन का, ब्यूटीफुल गार्डन का व्यू लूँ। बट यहाँ पे किचन से ही उसका गार्डन के लिए भी उसका एक बहुत प्यारा सा एंट्रेंस है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये टू वे एंट्री है, दिस गोज टू गार्डन एज वेल एज टू माय बैकयार्ड। ओके, वी हैव द स्टोरेज प्लेस, माय वॉशिंग मशीन इज प्लेस्ड, माय यूटिलिटी एरिया। Wow, and I have seen it, a very huge and very utilized utility area. Because it's raining outside, we couldn't, but I can just give you a glimpse of it. Sure. Nimmi, हम सिर्फ एक बार ऐसे देख लेते हैं, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ व्यूअर्स को. Be careful, yes. These are the stairs which are going to my terrace. Okay, so these are the stairs which goes to our terrace. Come. Okay, तो ये है specially designed utility area. Okay, come. This is a covered area and we have covered it with plain plastic, so din mein we can get light in it, and it is covered so that my clothes get dry here. Okay, and we have made an extra ota. Kabhi kuch zyada function hota hai ya ghar ke ghar, we want to have a get together of 50-20 people, right? So we use this as a the working station there, workstation. Okay, so this is the ota guys. Cabinets के साथ है तो यहाँ पे extra storage भी हो जाती है. Good. And here is the washing machine and the extra supplies of onion, garlic and everything. And ये पूरा packed है, right? Yes, this is all packed. Okay, so no intruders? No. बिल्कुल भी safe है. Wow. Kitchen garden. Okay, this is the kitchen garden. हल्दी का झाड़. Okay, haldi. A lot of haldi. Wow. Yeah. So there are two types of haldi, white and yellow. So we have both of them. थोड़ा बारिश हो रहा है तो हमें अभी अंदर जाना पड़ेगा, तो हम आपको बाकी रूम्स का भी टूर करवाते हैं, चलिए चलते हैं। आप देख रहे हो ये घर काफी बड़ा है तो इसे दो पार्ट्स में मैंने बनाया है. डोंट फॉरगेट टू वॉच द पार्ट टू हियर एंड ऑल्सो वॉच द ब्लूपर्स. सी यू देन.